हेलो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। और यदि आपको हमारे वीडियोस में कोई कमी नज़र आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के थानेसर में एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ यज्ञ कर ब्रह्मांड की रचना की थी। इस जगह का नाम है ब्रह्मा सरोवर, जो 1800 फीट लंबा और 1400 फीट चौड़ा है। मान्यताओं के मुताबिक यहाँ से कभी भगवान ब्रह्मा ने एक यज्ञ कर ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए ब्रह्मा सरोवर को सभ्यता का उद्गम स्थान भी माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ इस कुंड में स्नान करने के लिए आते थे। इतना ही नहीं, कौरवों और पांडवों ने भी कई बार इस कुंड में पवित्र स्नान किया है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस कुंड में डुबकी लगाने से एक अश्वमेध यज्ञ कराने के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण और गीता जयंती के दौरान यहाँ लाखों की संख्या में भक्तगण डुबकी लगाने आते हैं। इतना ही नहीं, ब्रह्मा सरोवर के बीच भगवान शिव का एक दिव्य मंदिर भी है, जहाँ एक पुल के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। इस सरोवर को नवम्बर माह में गीता जयंती के दौरान सजाया जाता है। दिसंबर माह में यहाँ दीपदान का आयोजन किया जाता है, जिसमें पानी में जलते हुए दीपों को बहाया जाता है। ब्रह्म सरोवर हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। कुरुक्षेत्र के जिन स्थानों की प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में फैली हुई है, उनमें ब्रह्म सरोवर सबसे प्रमुख है। हरियाणा के इस तीर्थ स्थान के विषय में विभिन्न प्रकार की किंवदंतियां भी प्रसिद्ध हैं। इस तीर्थ के विषय में महाभारत और वामन पुराण में भी उल्लेख मिलता है, जिसमें इस तीर्थ को परमपिता ब्रह्मा से जोड़ा गया है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर लाखों लोग ब्रह्म सरोवर में स्नान करते हैं। ब्रह्म सरोवर कई एकड़ में फैला हुआ है। यह तीर्थ वर्तमान में बहुत सुंदर और सुसज्जित बना दिया गया है।